बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबको गुजरी हुई जश्न आज़ादी मुबारक जी। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि पाकिस्तान क्यों बना था, पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है, हमारा रहनुमा कौन है, मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो हमें दीन इस्लाम को लेके चलना चाहिए, उसके मुताबिक पाकिस्तान बना। लेकिन अफसोस कि आजकल जिस तरीके से नौजवान नस्ल मना रही है जश्न आज़ादी, मेरी तो समझ से बिल्कुल बाहर है कि ये कौन सा तरीका है, क्योंकि मैं भी पाकिस्तान में रह रही हूँ, जब से पैदा हुई हूँ तब से यहीं रह रही हूँ, ये सब कुछ नहीं था। अभी तो जी बाजे आ गए हैं और सलेंसर, तो खैर हम बचपन से ही बाइक्स गुजरती थी तो मेरे सर में दर्द होता था, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, गांव से लोग भाग के आ रहे हैं, फीमेल्स जो हैं वो बाहर नहीं जा रही, एक अजीब उनको 14 अगस्त, 13 अगस्त, 14 अगस्त को वो बाहर कदम भी नहीं रख सकती क्योंकि उनके साथ मिसबिहेव किया जाता है, लोग सारे पागलों की तरह निकले होते हैं। BRT का एक मंज़र आपको दिखा रही हूँ कि कितनी ज़्यादा रश है। रात के टाइम देखें जी, बाइक पे ये सब कुछ कर रहे थे। ये बुरके में फ़ीमेल नहीं है, ये एक लड़का है जिसने इस चीज़ को एंजॉयमेंट बनाने के लिए बुरका पहना है और उसको लग रहा है वो बहुत अच्छा लग रहा है और बाकी सारे भी एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, जबकि ये ना तो खुशी की बात है ना ऐसा कुछ, मतलब बुरके की बेहरमती अलग हो रही है। और फिर किस तरह, मतलब ये कौन सा तरीका है जश्न मनाने का, मुझे समझ नहीं आई इस चीज़ की वजह क्या है। अगर मेरी वीडियोस नौजवान नस्ल देख रही है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि ये कौन सा तरीका है। कुर्बानियां दे के पाकिस्तान को हासिल किया गया और इसलिए नहीं हासिल किया गया कि आपकी माँ बहन बेटी बाहर ना निकल सके, क्योंकि जी आप सेफ नहीं हो, ये 2 दिन तो बिल्कुल आप घर से बाहर कदम भी नहीं रख सकते, वरना जो लड़की घर से बाहर कदम रखती है इन 2 दिनों में उनको लगता है भाई ये तो अच्छे घर की लड़की नहीं है। मेरी अपनी फ्रेंड गई बहुत मुश्किल से, उसने इतना मुश्किल वो फेस किया कि वो कहती है कि मैं एक लिहाज से साइको होके वापस आई हूँ, इतना अजीब किस्म का एनवायरनमेंट था। कि आप इनकी वॉइस सुन लीजिए कि इतना शोर है और वो किस किस्म के मतलब वर्ड्स यूज कर रहे हैं। दे और अगले साल ऐसा कुछ भी ना हो, जश्न आज़ादी को ओरिजिनल मतलब समझा जाए। ये आप देख लें क्या कुछ हो रहा है, अफसोस। एक्सेलेटर फ्रेडा, एक्सेलेटर फ्रेडा, एक्सेलेटर फ्रेडा।